नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में निकली हुई भर्ती के बारे में। कैंटोनमेंट बोर्ड ने हाल ही में ही भर्ती जारी की है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड में हो रही है। तो देखा जाए तो जो वैकेंसी है सफाई वाला के पोस्ट के लिए हो रही है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या है, एज लिमिट क्या है और ऐसी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इम्पोर्टेंट लिंक दी है जिस पर आप क्लिक कर इस जॉब रिलेटेड जो जानकारी है पूरी बड़े विस्तार में प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 8वीं पास होना जरूरी है और एज लिमिट जो है 18 से 25 साल है। जॉब लोकेशन जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यानी सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश में होगी। तो जो भी हमारे उम्मीदवार मध्य प्रदेश से है या मध्य प्रदेश में जॉब पाना चाहते हैं ये आप जान लीजिएगा। पे स्केल आपको 4,440 रुपीज से 7,440 रुपीज तक मिल जाएगी। ग्रेड पे है 1300 रुपए और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पर दी गई है 31। तो देखा जाए तो ये जो वैकेंसीज है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, पर आप ये ना देखिएगा वैकेंसीज कम है या ज़्यादा है। आपको सिलेक्ट होने के लिए एक वैकेंसी की ज़रूरत है तो आप तुरंत अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। अब हम देखेंगे कि पीडीएफ में क्या जानकारी मिल रही है। तो पीडीएफ में आप देख सकते हो सफाई वाला के पोस्ट की जो वैकेंसी है, इस पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो इजो कैटेगरी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर। एज लिमिट यहाँ पर है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 साल। रिलैक्सेशन जो है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का है। एसटी एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और पीएच कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो कुछ इस तरीके से ये एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए जो इस पोस्ट को बताई गई है वो है 7 सितंबर 2018। तो आपके पास 7 सितंबर तक टाइम है और 7 सितंबर के बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं ये जान लीजिएगा, क्योंकि अब 7 सितंबर के बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पर स्वीकारा नहीं जाने वाला है। 7 सितंबर के पहले आप अप्लाई करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट की एक लिंक दी गई है और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक पर आप क्लिक कर और जो नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है उस पर क्लिक कर आप ऑनलाइन तरीके से जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसे अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। जबलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा जो भर्ती जारी की गई है सफाई वाला के पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और उनका एप्लीकेशन जो है निश्चित कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे जॉब्स की जानकारी पाते रहना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पे और ट्विटर पे और टेलीग्राम पे भी ऐड कर सकते हैं हमारे हैंडल्स पर, जिससे आप जो जॉब्स के रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वो हमारे सोशल जो चैनल्स है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हमारे जॉब्स की जो अपडेट्स है पा सकते हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।